गाइस कहानी आगे बढ़ाते हैं पिछले लॉग से। 4 फरवरी की बात है, हम लोग पहले दिन गए थे बेबी स्लोप जहाँ बिगनर्स जाते हैं। दूसरे दिन हम लोग चले गए गंडोला फेज 1 पे। तो हम लोग 2 राउंड ऑलरेडी मार चुके थे, फटीग थोड़ी आ गई थी। स्कीइंग में क्या है कि जांघों पे, हैमस्ट्रिंग पे, ग्लूट्स पे बहुत जोर पड़ता है और हमारी लेग्स थोड़ी फटीग थी। 2 राउंड मारने के बाद हम लोग लंच करने गए। ठंड बहुत ज्यादा थी, सूरज नीचे ढल रहा था, इतनी ठंडी हवा सर पे पड़ रही थी कि मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। बट हमें था कि कल सुबह सुबह निकलना है वापस दिल्ली के लिए, तो ये लास्ट दिन है, अब अगले साल ही आ पाएंगे, तो चलो एक राउंड और मार लेते हैं। और क्योंकि सूरज झल रहा था, ठंड हो रही थी, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था, जो आइस जिसके ऊपर हम स्नो जिसके ऊपर हम स्कीइंग कर रहे थे वो थोड़ी सी हार्ड होती जा रही थी। तो हार्ड होने के चक्कर में उसके ऊपर से आप बहुत ज्यादा तेजी से स्लाइड करते हो, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड कम करने के लिए आपको वो स्नो प्लो करना होता है, आपको टांगों से वी शेप बनानी होती है, और उसको बनाने में टांगों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, और ऑलरेडी हम लोग फटीग टांगे लेके स्कीइंग कर रहे थे। और आपका एक लर्निंग कर्व होता है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, 1 घंटा पढ़ेंगे मजे आएंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे मजे आएंगे, उसके बाद आपको एक सैचुरेशन लेवल आता है कि उसके बाद अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे या ज्यादा कुछ देखेंगे तो आप कुछ लर्न नहीं करते। मैं आराम से स्कीम कर रहा था, मैं आगे चला गया था, रितु मेरे पीछे पीछे आ रही थी। एकदम हम लोग रेस्ट, मैंने और मैं आगे निकल गया तो मैंने कहा रितु का वेट कर लेते, रितु मेरे पीछे पीछे आई, रशियर मम्मा आते हुए मैं आगे निकल आया। सो वी ड्यूरिंग द लास्ट राउंड गाइस, लेकिन ठंड बढ़ गई अभी, इट इज वेरी चिली, सन ऑलमोस्ट नीचे चला गया, वेटिंग हियर। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, ठंड हो गई है, लग गई है जोर से। अरे यार और वाइड भी नहीं आगे करना है, ठीक है? आपको पार्लर जाना है, पार्लर जितना सीट ज्यादा जाने दो। मुझे सेम लगा, मुझे लगा गई तेरी। तो प्रॉब्लम ये है कि नीचे बहुत जाना है, एंड शी कैन नॉट स्की आल्सो नाउ। नहीं, स्की मत लगाओ, स्की मत लगाओ, पैदल जा, पैदल जा रितु, पैदल जा, कोई नहीं, देर से पहुंच जाएगी। फाल फार हो गया, अरे भाई ऐसा ना, भैया भी नीचे पड़े हुए हैं। वो नहीं पड़ेगा सर, घोड़े में लग गई है। वैसे अभी जब चल तो पा रही हूँ वैसे ठीक है, लेकिन जैसे झटका लगता था ऐसा लगता है जैसे कटोरी नहीं होती घोड़े की, वो ऐसे ऐसे हो गया। वैसे ठीक है, अभी पैर मुड़ रहा है, तो थोड़ा सा दर्द है, मोड़ने में दर्द है। उन भैया को भी लग गई, देख वो आंटी भैया की वहाँ से उनको लग, मुझे पता चलता है भैया मुझे कह रहे थे शाम को ना स्नो सख्त हो जाती है ठंडी के मारे, स्पीड बढ़ती है आपकी, स्पीड तेज होती है। रस्सी तो सो गई है भाई, डोलर्स क्लोजिंग नाउ, चलो चलो चलो, स्टाफ बस गोइंग अवे। सो भैया कह रहे कि रितु को चलने दो धीरे धीरे, जितना चलेगी उतना अच्छा रहेगा, ब्लड फ्लो रहेगा, तो अभी इसी गर्म पानी की सिकाई करेंगे, डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे। तो फारूक भाई चलेंगे इसकी, अगर ऐसे इनकी ट्रेनिंग होती सबकी कि अगर कोई जख्मी हो गया उसको कंधे पे लेके आना है। हाँ, हो गया एक बात। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल हमें किसी के मुंह से जख्मी हो गया, उसको खून निकल रहा है, हाँ, से। फर्स्ट एड पर देना। हाँ, अब उसको देना है ऑक्सीजन, बाहर पर तो है नहीं, हाँ, तो अब उसको मुंह से देना है, मगर हाँ, उधर से डॉक्टर लोग कहते हैं कि किसी का खून अगर लगे उसमें एड्स भी, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ, तो हम कैसे दे सकते हैं? हमें अपने ग्लोव्स की उंगली काटनी है। अच्छा, हाँ, तू आगे देख के चल, तू मरना गिर जाइयो। तो हम अपने ग्लोव्स की जो उंगली है, हाँ, वो काटते हैं, वो उसके मुंह में भरते हैं, उसी से हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। अरे बाप रे, ये हमारा प्लानिंग होता है अभी। तो दीज आर रियली क्लास अपार्ट ट्रेनर्स। तो फारूकी भाई ने हमारा पूरा स्टे करा, सब कुछ करा, होटल करा है, बट्स की शॉप इनकी है, सर्विस देते हैं टॉप क्लास। प्लान का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ए टू जेड पूरा प्लानिंग बुकिंग कर देंगे, श्रीनगर से पिकअप ड्रॉप सब कुछ सिखा चुके वापस श्रीनगर। बशीर भाई ऑल्सो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर है, ये मेरे को मिले, मतलब मेरा स्कीइंग चेंज हो गया पूरा। सो मैं थोड़ी सी रितु के लिए फ्रेश स्नो लेके जा रहा हूँ ताकि उसकी मसाज कर सकूँ, फ्रेश स्नो फॉर। जल्दी जल्दी मतो मतो, अभी क्या ज्यादा, अभी से हेलो दर्द, कल सुबह होगा बज जाएंगे, बढ़ रहा है पता है? कोई नहीं, सुबह सही हो जाएगा। ठंडा तू ठंडी खा, हाँ ठंडी बहुत ठंडी, मोर मोर गया और खांसी लेके खरीद के लाऊं, जा मम्मा के लगाओ, जाओ मम्मा के बर्फ लगाओ, जाओ 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 जाओ, हेल्प अदर्स। पता है इस बार तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने दर्द से रहूं या मैं इस बर्फ की ठंडाई से रहूं। मैं मजे आते हैं। क्या बना रही हो बेटा? बाथरूम में डक बना रही हो? दिखाओ जरा किससे बना रही हो, दिखाओ। अच्छा, इसमें ये क्या है?
इसे डक बनाइए टिश्यू पेपर से हैं? पूरे बाथरूम से पानी ला ला के उसमें ये टिश्यू पेपर डाल डाल के तुम डक बना के पापा को दोगी? ये देखो आगे मेरी डक। हेलो ये पजामा हमारा इंट्रिकेट पजामा, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट टू प्रोटेक्ट माय ओनर। योर ऑनर क्या कह रहा है रशु? ऐसे बैठू? ठीक है, ऐसे बैठ गया भाई, बता क्या करेगा? आप बता क्या करेगा भाई ऐसे बैठ गए पापा? कैसे गिरेंगे? उल्टा हो जाए, पता नहीं मेरे को, पता नहीं रशु क्या करता है, पता नहीं कुछ अच्छा करेगा मेरे साथ लगता है। पता चले क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? दम देखो, दम देखो। So guys, हम लोग आ चुके हैं इग्लू में। So guys, we are inside the igloo and this is so lovely. और मेरे बाल देखो, मम्मा आ गई, मम्मा। तो उमर भाई इज बैक अगेन। उमर भाई क्या लाए हैं कप में? तेल में नमक मिला के जिससे मसाज करेंगे ऋतु की, और एक रेली स्प्रे भी लाया ना रशु। मम्मा को नहीं पे लगा दो, वो स्प्रे लगा दो। तो मम्मा का ये भी आ गया, बाल्टी और नमक, गर्म पानी की शिकायत कर दी जाएगी। थैंक यू सर। एनिवर्सरी के दिन वाला गाना गाऊंगा मैं, पत्नी तो पति के लिए दे दे अपनी जान। रशु मम्मा पापा डर गए थे, पापा ठीक करे, मम्मा पापा ठीक करे, पापा मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। आज पापा मम्मा की शादी थी, शादी थी। पापा पापा को कह दो मम्मा बहुत सॉरी है यार, मम्मा बहुत सॉरी है। कोई बात नहीं, गया था ड्राइवर और मतलब उसके बाद इतने स्टीप स्लिंग करने, क्या मैं सोचा कि मेरी टॉप ड्यूटी तो क्या होता है? कहते भाई मैं जा रहा हूँ। असली में मुझे अरे तो तेल के ऊपर कौन, असली में मुझे लगा था कि टूट गई, मुझे भी लगा। और पता मुझे सबसे पता डर क्यों लगा उस टाइम पे मुझे, एक सेकंड के लिए वो फ्लैश हो रहा था आंखों के सामने, हुई और इतना दर्द, और अब यहाँ पे बीच में हॉस्पिटल भी नहीं है, क्या करूंगा।